उस रास्ते पर ही मैं चलूं जो तेरी तरफ ले चले मुझे। ना आने दूं मैं करीब गम, मेरे हमदम तेरी कसम, मेरे हमदम। मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, अगर मुझे आना होगा तो मैं खुद आ जाऊंगी। अगर आप हमारी रिक्वेस्ट पर आ जाएंगी तो हमारी शान बढ़ जाएगी। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि अंदर बैंक से कितना लोन लिया हुआ है। फिर भी रफली कितना होगा? कोई 70 से 80 करोड़। बाबा आपको पता है बुआ जी ने मुझे चूजे गिफ्ट किए। नहीं बेटा, ये सकीना ने नहीं, ये मैंने आपको गिफ्ट किए। मगर बेटे तुम ख्याल रख सकोगे उनका? ऑफ कोर्स पापा, मुझे ख्याल रखना आता है इनका। इवन बुआ जी ने भी मुझे सब कुछ बता दिया कि इनका ख्याल कैसे रखना है। हां, मेरे ख्याल में मलिक साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। काफी मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए केयर करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं चूजे नहीं लेके जाती। तो ये चूजे सारे तुम्हारे हैं। तो सब लोगों की बातों पे ध्यान मत दे, और मैं जानती हूं तुम इनका ख्याल रखोगी। हमें काफी अरसे के बाद बहुत मजे का खाना खाने को मिल रहा है, मजा आ गया। ये तो शुक्र है कि मलिक साहब आए तो हमारे भी वारे न्यारे हो गए। और क्या, अब मैं भाई बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझसे खाना वाना नहीं बनेगा। आप अपने बेटे की शादी क्यों नहीं करा देते ताकि बहू को अच्छे खाने पकाने आप सिखा सके और इसको खाने मिलते रहे अच्छे। मलिक साहब इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द आप खुशखबरी सुनेंगे। बेटा आप तुम्हारी सिटी क्यों घूम रहे? बेटा आपने मलिक साहब को जमीनों का सैर भी करवाया या सिर्फ खाने वाने पे जोर है? नहीं बाबा जान, मैं लेकर गया था मलिक साहब को, जमीनें भी दिखाई और इलाका भी। जी हाँ, जमीनों की सैर की खूब हमने, बल्कि आपका इलाका मुझे बहुत पसंद आया। मैंने और शायद ने तो ये सोचा है कि जो आपकी कपास की फसल है उसे हम अपनी फैक्ट्री में यूटिलाइज कर लेते हैं, आपको बाहर एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूर जरूर मलिक साहब, जैसे आप कहेंगे इंशाल्लाह वैसे ही होगा। आमिर तुमने बहुत अच्छा किया जो अम्मी को यहाँ ले आए, अब अम्मी का इलाज भी यहाँ हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका इलाका हमारे घर से बहुत नजदीक है। मैं तो कब से कह रहा था अम्मी को आ जाने को, थैंक गॉड इन्होंने फाइनली मेरी बात मान ली। दरअसल मुझे शहरों की फिजाओं में रहने की आदत नहीं है ना, हम लोग 2-4 दिन ही शहर में टिक सकते हैं। अब आप आ गए हैं ना आंटी जी, बस देखिएगा इस शहर की फिजाएं इंसान को बहुत जल्दी अपना बना लेती हैं। बिल्कुल, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें हमेशा से जानती हूँ। अम्मी अभी तो आप एनी से नहीं मिले, उससे मिलेंगी ना ऐसा लगेगा आपको कि उसको आप बचपन से जानती हैं। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम्हारा कोई लड़का दोस्त नहीं है? बताओ। क्या बताऊं, कोई लड़का दोस्त हो तो बताऊं। ये ले एक और खाएं। नहीं बेटा, नहीं, बस पेट भर गया। आखिरी है, जीती रहो। थैंक यू। हाँ यास्मीन, अल्लाह का शुक्र है शाहिद ने फाइनेंस करने की हामी भर ली। मुझे तो लग रहा था कि मलिक टेक्सटाइल मिल्स चंद दिनों की मेहमान है। मुझे तो खुशी हो रही है कि शाहिद ने ऐसे वक्त में आपका साथ दिया, वरना आजकल के जमाने में कौन किसी के काम आता है।
बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मुझे तो यूं लग रहा है जैसे शाहिद के रूप में मुझे कोई मसीहा मिल गया। अल्लाह का बड़ा करम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कितनी देर में निकल रहे हैं आप? बस हम अभी चाय पीने लगे, इसके बाद हम रवाना हो जाएंगे। पैनी ने तंग तो नहीं किया ना? वैसे मैं क्यों पूछ रही हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ कि उसने आपको सुख का सांस नहीं लेने दिया होगा। अरे नहीं नहीं, पैनी ने तंग नहीं, बल्कि उसने तो बहुत समझदारी का मुजाहरा किया। तुम खामखा ऐसी बातें सोचती रहती हो उसके बाद। जी जी, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि वो क्या है, और उससे भी अच्छी तरह ये जानती हूँ कि आप उसकी वकालत करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। हालात ठीक नहीं है, मेरा ख्याल है रात में मत निकलेगा, सुबह सुबह निकलना है तो ज्यादा बेहतर है। नहीं नहीं, बस अब थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, बल्कि मैं ऐसा करूंगा जब निकलने लगेंगे तो मैं फिर फोन कर दूंगा। ठीक है? ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। नहीं बेटा, अपनी मामा को मेरी तरफ बहुत बहुत सलाम कहना, और वहां पहुंच कर मुझे फोन जरूर करना बेटा। जी आंटी, मैं जरूर कॉल करूंगी घर पहुंच के। नेक्स्ट टाइम आओ तो अपनी मम्मी को साथ जरूर लाना। आंटी, मैं दोबारा आ सकती हूँ? अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये तुम्हारा अपना घर है, जब तुम्हारा दिल चाहे चली आओ। थैंक यू आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। अरे तुम भी तो बहुत अच्छी हो। अच्छा दिलदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिल। कभी आप लोग भी चक्कर लगाए ना हमारी तरफ। जरूर जरूर मलिक साहब, अब तो आना जाना लगा रहेगा इंशाल्लाह। वैसे आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत नवाजे, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह अच्छा चाहे। थैंक यू वेरी मच। अब आखिर रिलैक्स हो गया हूँ तुम्हारे फॉर्म पे आके। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। सेम है मलिक साहब, जब भी आपका रिलैक्स होने का मूड हो आप आ जाइए, आपका अपना फार्म हाउस। थैंक यू। अच्छा अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आओ बेटा। अल्लाह हाफिज़ बेटा। अल्लाह हाफिज़। ऐनी कितनी प्यारी बच्ची है, जब तक यहाँ थी तो घर में कितनी रौनक थी। सच पूछो मुझे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। आप सही कह रहे हैं सकीना, ऐनी में ऐसी अपनायत महसूस हुई जैसे हम लोग बरसों से एक दूसरे को जानते हो। बड़ा मजा है ऐसे मेहमान से, शायद ऐसी दावतें आप रखा करें ना। जैसे आप कहें बाबा जान। ऐनी आप लोगों को पसंद आई है? ऐनी है इतनी अच्छी बच्ची, किसी का दिल भी मोल ले। मैं सच पूछूं तो अब मुझे अकेलेपन से बहुत डर लगता है। ओहो, हमने कभी आपको अकेला छोड़ा है क्या? आप भी तो जवान बच्चों के सामने किस तरह की बातें कर रहे हैं। छोड़े इनकी बातों को, एक बात मेरे गौर से सुने। देखो बेटा, तुम अब शादी कर लो। जैसे आप कहो। चलो अब सारी बातें यही करोगे क्या? आओ आओ चले अंदर, आ जाए आ जाओ। मैडम, ये बाहर इतने सारे चूजे कहां से आए? उन लोगों ने दिया, मैं ले आई। ख्याल कौन रखेगा इनका? आप जी नहीं, जिसकी चीज होती है ना वही ख्याल रखता है उसका। मामा, I know you love me a lot. हमेशा ऐसे ही करती हूँ, चीजें ले आती हूँ और उसके बाद फिर उसका ख्याल नहीं रखती हूँ। मामा, you know what? मैंने वहाँ दूध पिया। दूध? अरे वाह, हमसे तो बड़ी फरमाइशें मनवा के एक ग्लास दूध पीती थी, उनसे क्या फरमाइश की है? जी नहीं, मैंने कोई फरमाइश नहीं की। वो दूध इतना अच्छा था कि मैं क्या बताऊँ, फटाफट पी गई। मामा उसमें पता एलमंड का टेस्ट था। मामा वो आपने वैसा बना के देना मुझे दूध। अच्छा मैं बनाऊंगी, पूरा पीना पड़ेगा? अगर वैसा टेस्ट हुआ तो ठीक है, अभी बना के लाती हूँ अपनी जान के लिए। हेलो मिस्टर। आ गई अपने घर? यप आ गई। क्यों, तुम तो ऐसे कह रहे थे कि तुम अपने घर पे बैठ के मेरा घर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। हाँ, लगता था पूरा शहर वीरान हो गया यार। ऐसे नसीब कहाँ कि आप हमारे घर आए। बस बस मजनू की औलाद,
तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने मुझे बड़ी दावत दी अपने घर में। अच्छा तुम्हें अम्मी से मिलने नहीं आना था? अरे हाँ मुझे आना था तुम्हारी अम्मी से मिलने। एक काम करती हूँ मैं अभी आ जाती हूँ। अरे अरे सुबह तो होने दो, कॉलेज के बाद चलना, हर वक्त घोड़े पे सवार रहती हो। घोड़े से याद आया मुझे तुम्हें बहुत सारी बातें बतानी है। एक काम करते कल मिलते हैं। ओके बाय। अरे एनी बात तो सुनो। अभी मैं घोड़े बेच के सोने जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनना, कल मुलाकात होगी, बस बाय। घोड़ा क्या है ये लड़की? अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने वाली क्लास ली थी मिस ताहिरा की? प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स वाला मेरा लेसन रह गया। एनी तुम हमेशा मेरी आंखें निकालने के लिए क्यों तैयार रहती हो? और तुम मुझे हमेशा कैसे पहचान लेती हो? वैसे प्रिंसेस एनी अगर मैं कुछ पूछना चाहूँ आपसे, आप दो दिन से कहाँ गायब थी? पूरा कॉलेज आपको याद कर रहा था। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ आमिर का नजर नहीं आ रहा। यार आमिर की अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, गाँव से आई है तभी आज कल लेट भी आ रहा है। लेट आ रहा है। ओके क्लास किसकी है? मैम ताहिरा की। और मैं फेल हो जाऊंगी, मैंने एक लेक्चर भी नहीं लिया हुआ। टाइम हो रहा है चले? चल रानी कहाँ है? वो कॉलेज की। और नमान? ऑफिस चला गया। आप लेट उठ रहे हैं आज। सफर की वजह से थक गया था। एक बात बताइए, क्या बिजनेस में फिर कोई टेंशन चल रही? हाँ, तुम क्यों ऐसा पूछ रही हो? तो अल्लाह के फजल से बात कुछ संभल भी गई, शायद बात हेल्पी हमारी। कौन शायद? मेरा बिजनेस पार्टनर। अच्छा वो नुमान से बात करें, आजकल मुझे काफी परेशान लग रहा है। ये जवान बच्चा है, ये लोगों की पर्सनल लाइफ भी होती है, कुछ होगी कोई प्रॉब्लम, मैं बात करूंगा उससे। आप ऑफिस जाएंगे आज? चाहूंगा थोड़ी देर बाद। हेलो फिरदौस बोल रहा हूँ। तो कब? हाँ मैं थोड़ी देर में ऑफिस पहुंचूंगा। ओके शायद। कहाँ थे तुम? दो क्लासेस मिस करा दी तुमने। अम्मी की तबीयत बहुत खराब थी, उनको दवाई दे के सुला रहा था। जब तक वो सोनी जाती है ना तसल्ली नहीं होती है। कितने वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ, मेरे सामने शक्ल बनाने की जरूरत ही है, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। ठीक तो कह रहा है बेचारा, माँ का हक तो पहले होता है बेटे पे। यस चलो उठो, मुझे अपने घर लेके जाओ, मुझे अंडी से मिलना है। अच्छा चलो चलते हैं, तुम चलोगी हमारे साथ? नहीं मैं नहीं जा रही, मुझे पढ़ना है, मैं शाम में आंटी से मिलने के लिए आऊंगी। ये खुद आ जाएगी, करीब में ही रहती है, प्लीज अब चलो। मैं कह रहा था मैं अभी आया हूँ, थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। दो क्लासेस तुमने अपने लिए मिस कर लिए ना, अब दो क्लासेस मेरे लिए मिस करो, चलो यहाँ से। मैं जानता हूँ बेटा हमारे मसले मसाइल ऐसे नहीं है कि जिसे हम घर पे डिस्कस कर सकें। ये तो शुक्र है अल्लाह का कि शाहिद ने बहुत सही वक्त पर हमारी मदद की है, वरना मैं तो समझ रहा था कि बिजनेस हमारे हाथ से निकल गया है। लेकिन इंशाल्लाह आप कुछ ना कुछ हम कर ही लेंगे। जी बाबा, बैंक क्लियर होने से आई थिंक हम अब संभल सकते हैं। बेटे मैंने बिजनेस में बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे, फिक्र मत करो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बाबा इतनी रकम अदा करने के बाद
शाहिद हमसे क्या डिमांड करेगा? बिजनेस में क्या चाहिए होगा उसे? अभी इस मसले पर कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन अब जो भी वो डिमांड करेगा हमें देना पड़ेगा। हाँ, अब हमारे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। बेटा शाहिद एक पढ़ा लिखा समझदार लड़का है, मेरे ख्याल से जो भी बात करेगा मुनासिब ही बात करेगा। आओ शाहिद, आओ। अभी हम तुम्हारी बात कर रहे थे। आई होप के अच्छे अल्फाज। बिल्कुल, कोई शक नहीं, शेर की बात हो रही थी। बैंक का डेट क्लियर करने के बाद मिल तो अल्लाह का शुक्र है शुरू हो गई है, बस अब शेयर्स डिसाइड करने। भाई साहब, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तो मैंने जितनी इन्वेस्टमेंट की है तो शेयर्स तो फाइनल आउटपुट के बाद ही डिसाइड होंगे। हमारे एक्चुअली बिजनेस में इतना नुकसान हो चुका है कि उसे दोबारा से रीस्टैब्लिश करना इट्स नॉट अ इजी थिंग। अब बाबा जानी इस बात को लेकर बहुत परेशान है। इन हालात में मैं उनसे ऐसी बात करना नहीं चाहता। मैं तुमसे शादी करना चाहता। होश में तो हो, शक्ल देखी अपनी? नहीं, I have senses. Like each factors देखो हमारा, कितना गैप है हमारे बीच में। हाँ, तुम सोच भी क्या जा सकते हो? मेरे हमदम, मेरे हमदम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। कैसी हैं आप? I'm so happy. मैं इसको कहती रहती हूँ कि आपको लेकर आए, आपको प्रॉपर इलाज करवाए, लेकिन ये सुनता ही नहीं है। और इसने आज जो सरप्राइज दिया ना, I'm so happy. अब कैसा फील कर रही हैं आप? बस बेटा, ये खांसी तो मेरी जान लेकर ही रहेगी। कैसी बातें कर रही हैं आप? अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और वैसे भी जहाँ प्रिंसेस एनी हो वहाँ लोग खांसते नहीं, मुस्कुराते हैं। देखा देखा, आपकी खांसी रुक गई ना? हाँ बेटा, तुम इतनी खुशबाश हो, इतनी प्यारी सी हो, तुम्हें देखते ही खुशी का एहसास होने लगा। जा बेटा, इसके लिए कुछ खाने को लेकर आओ, पहली बार हमारे घर आई है। हाँ चलो चलो, मेहमानबाजी करो फौरन, कंजूस। अच्छा, और जब भी कॉलेज की कैंटीन में इतना खा कर आई हो, वो कहाँ गया? वो हजम हो गया आंटी, बोला नहीं जा नहीं रहा। आमिर जा बेटा, वैसे हमारी बेटी क्या खाएगी? इसको पता है मुझे क्या अच्छा लगता है। जूस कहीं का आंटी, आप जल्दी से ठीक हो जाएं, फिर मैं आपको मामा से मिलवाऊंगी और फिर हम बहुत सारे गेम्स खेलेंगे, और मैं आपको ऐसा गेम बताऊंगी जो आप भी खेल सकेंगी। क्या बात है नौमान, सब ठीक है ना? हाँ मारिया, मैं बाबा जान और मामा से अपनी शादी के बारे में बात करना चाहता हूँ। हाँ तो क्या है, कर ले, मान गए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। क्या मतलब, तुम क्या सोच कर बैठी हो? कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि आप अपने ही पेरेंट्स से बात करने में कंफ्यूज हो रहे हैं आप। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। मामा को जब पता चलेगा ना कि मैं उनके लिए बहू लाना चाहता हूँ इस घर में, तो बहुत खुश होंगी वो। मुझे उम्मीद है कि मेरे पेरेंट्स मान जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, इतना अपसेट क्यों हैं आप? वो हमारे एक्चुअली बिजनेस में इतना नुकसान हो चुका है कि उसे दोबारा से रीस्टैब्लिश करना इट्स नॉट अ इजी थिंग। अब बाबा जानी इस बात को लेकर बहुत परेशान है, इन हालात में मैं उनसे ऐसी बात करना नहीं चाहता। हाँ तो ठीक है ना, जब आपका बिजनेस सेट हो जाए तब कर लीजिएगा बात, जल्दी किसको है, आप खुद को परेशान मत करें। तुम्हें नहीं है लेकिन मुझे बहुत जल्दी है।
बाबा से बात करना चाहता हूँ लेकिन बिजनेस की कंडीशन देख के मैं। अच्छा ठीक है, अब उससे परेशान होने वाली कौन सी बात है। मेरे ख्याल में आपको सही टाइम का इंतजार करना चाहिए बाबा से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच मारिया, तुमने मेरी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया। ऑनेस्टली आई एम सो हैप्पी टू हैव यू इन माय लाइफ। शगुफ्ता, आज वो डिनर सेट निकाल के अच्छी सी टेबल सेट कर देना, रात में मेहमान आएंगे खाने पे। ठीक है। और किसी किस हेलो एनी, कहाँ हो बेटा तुम? मामा मैं आपको घर आके बताती हूँ, मुझे वैसे ही आ जाने में देर हो जाएगी। एनी आज देर मत करना, अबू बहुत नाराज होंगे। मामा आप बाबा को कहना कि मैंने कहा वो नाराज नहीं होंगे, प्लीज। अच्छा बाय 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 बाय। एनी क्या हो गया इस लड़के को, कब अपनी मनमानी छोड़ेगी? सब अच्छी तरह से कर देना। अच्छा हेलो, सॉरी मैं लेट हो गया। इतनी अचानक बुलाने की वजह? क्यों, हम मिल नहीं सकते हैं क्या? मिल सकते हैं, लेकिन तुम जैसा इंसान अचानक बुलाया हैरत तो होती है ना। आई थिंक मैंने आपको डिस्टर्ब किया। हाँ अच्छा, अब कर दिया तो बोलो। एक्चुअली बड़े हीरो बनते फिर रहे हो ना, बाबा को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो ना। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा बोलो। आई लाइक यू। तो इतना अचानक इसलिए बुलाया? इसमें कौन सी बड़ी बात है, एवरीवन लाइक्स मी। ये मुस्कुरा क्यों रहे हो, लाइक तुम कहीं फिर फ्लर्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? मुस्कुराने का मतलब फ्लर्ट करना होता है? नहीं, लेकिन जिस तरह से तुम मुस्कुरा रहे हो ना, उस तरह फ्लर्ट ही किया जाता है। तो मुझे लगता है तुम्हारी शक्ल पहले दिन से ही फ्लर्ट लगती है मुझे। फ्लर्ट का तो पता नहीं है। एनीवेज बैठ के बात करें। चलो। बोलो। I love you. देखा, ये फ्लर्ट नहीं तो क्या, कितनी गर्लफ्रेंड्स है तुम्हारी? गर्लफ्रेंड्स? I really love you. तो इसमें कौन सी बड़ी बात है बॉस, लव तो मुझे आमिर भी करता है, इम्पैक्ट तुमसे ज्यादा करता है। तुम भी करती हो? प्यार तो नहीं करती, लेकिन यार ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। होश में तो हो, शक्ल देखी अपनी, लाइक ईच फैक्टर्स देखो हमारा, कितना गैप है हमारे बीच में। लेकिन तुम सोच भी कैसे सकते हो, दिस इज रिडिकुलस आई स्वेयर। मैं और तुम शादी हुआ? क्यों, तुम नहीं सोचती, तुमने शादी नहीं करनी? सोचती हूँ, बिल्कुल करनी है, ऑफ कोर्स करनी है, कि तुमसे क्यों करूं? जब तुम्हें शादी ही करनी है तो मुझसे क्यों नहीं? क्या कमी है मुझ में? मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारी फैमिली को जानता हूँ, तुम मेरे बारे में जानती हो, मेरे ख्याल में काफी है शादी के लिए। ओ हीरो, मैं कोई प्यार-व्यार के चक्रों में नहीं पड़ना चाहती, और ये सब काफी नहीं तुमसे शादी करने के लिए। लेकिन मैं तो तुम्हारे प्यार के चक्कर में पड़ चुका। तो ये मेरा हेडिक नहीं है, मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे प्यार के चक्रों में पड़ो। प्यार किया नहीं जाता, प्यार तो हो जाता। और तुम मेरे आइडियल से मैच करती हो, जैसा मैंने चाहा था, जैसा मैंने सोचा था। एक्सक्यूज मी वेट, लाइक क्या रोमांस चल रहा है? कोई थोड़े रोमांटिक हो रहे हो क्या? कोई फिल्म देखकर आए हो आज? हाँ मेरे आइडियल से मैच करती हो,
बड़े डायलॉग बोल रहा है। तुम सचमुच खुद को हीरो तो नहीं समझने लग गए हो? क्या मतलब? मतलब कि तुम सच में अपने आप को हीरो समझते हो? तुम्हारा यही कॉन्फिडेंस तो मुझे अच्छा लगता है। तो और क्या क्या अच्छा लगता है आपको मुझ में? एनी, मैं सीरियस हूँ। मेरे प्रपोजल पर गौर करो। आई विल वेट फॉर योर आंसर। बड़ी फ्लर्ट हो, आई स्वेयर। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब बातें तुम कर रहे हो। बड़ी प्रैक्टिस लग गई तुम्हारी। काफी लड़कियों को कह चुके हो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ऑलराइट? तुमने बहुत बोल लिया और मैंने बहुत सुन लिया। जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस। बाय। मुझे एनी की समझ नहीं आती। अम्मी जान, वो हर वक्त बच्चों जैसी हरकतें क्यों करती रहती है? बेटा, मुझे तो उसकी बातों पे बहुत प्यार आ रहा था। बिल्कुल मासूम सी है। मासूम नहीं है वो, सब कुछ जानती है। नहीं बेटा, मुझे तो वो बहुत अच्छी लगी। अल्लाह से खुश रखे। अम्मा, आप फिक्र ना करें, उसे खुश रहना आता है। हाँ बेटा, उससे मिलने के बाद तो मैं अपनी बीमारी ही भूल गई थी। देखा क्या कहा था मैंने अम्मी जान आपको, अच्छा लगा ना आपको उससे मिलके। वैसे भी खुश वो लोग रहते हैं बेटा, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कोई मुश्किल ना देखी हो। अल्लाह का नसीब अच्छा करे। हाँ अम्मा, आप सही कह रही हैं। मैं भी ये चाहता हूँ कि वो हमेशा ऐसी रहे। जल्दी से, जल्दी। ये दवा मुझ पे असर ही नहीं करती। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे एक खांसी मेरी जान ले कर रही। ये कैसी बातें करी आप अम्मी जान? अल्लाह ना करे, आपको पता है मैं आपके बगैर एक पल नहीं रह सकता। बहुत बड़े डॉक्टर को आपको दिखाऊंगा मैं, बस कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए। तुम क्यों मेरी वजह से खुद को हलकान करते हो? मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम परेशान ना हुआ करो। अम्मी, मैं बिल्कुल अपने आप को हलकान नहीं कर रहा, आप मेरी माँ हैं। अभी तो जाके तुम आराम करो बेटा। मैं कर लूंगा आराम। फिलहाल आप आराम करें, ठीक है? सो जाए, चले लेटे। हाय, और कल मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, ठीक है अम्मी जान? अब आप आराम से सो जाए। तुम जाओ, कुछ भी नहीं होगा आपको। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। हाँ, शायद माल पहुंच गया है। मुझे फैक्ट्री से फोन आया था, बल्कि मैं भी जा रहा हूँ मटेरियल क्वालिटी चेक करने के लिए। जी बिल्कुल, मैं भी जाना चाह रहा था आपके साथ फैक्ट्री। तो इस तरह करते हैं कि मैं आता हूँ तो फिर इकट्ठे चलते हैं। ठीक है, तो फिर वही मुलाकात होगी इन शाह। खुदा, तुम कल फैक्ट्री गए थे? जी बाबा, माल पहुँच गया, फैक्ट्री में काम भी शुरू हो गया। कॉटन भी बहुत अच्छा है, आई होप के आउटकम बहुत अच्छी आएगी। हाँ सुना, माल भी बहुत अच्छा आया, शायद बता रहा था। शायद को मैंने बल्कि फैक्ट्री पे बुलाया आज, तुम भी आ जाओ फैक्ट्री। एक्चुअली बाबा, मेरी डीलर्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं नहीं आ पाऊँगा। तो तुम अपनी मीटिंग ख़त्म करके आ जाओ। ओके, आप कब तक फैक्ट्री पहुँच जाएंगे? कुछ 12 बजे तक पहुँच जाओगे इंशाल्लाह। ठीक है बाबा, मैं पहुंच जाऊंगा। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। तुम आज सुबह सुबह क्यों तैयार हो गए बेटे? वो बाबा 9:30 क्लास है ना, इसलिए जल्दी जाना पड़ा। अरे वाह वाह वाह, ये आइए बैठिए, यहाँ तशरीफ रखिए, नाश्ता कीजिए हमारे साथ। ओके।
वैसे एक बात तो बताओ, ये सूरज आज कहाँ से निकला है? माय डियर ब्रदर, सूरज वहीं से निकले जहाँ से हमेशा निकलता है। ओ, तुम्हारे कमरे से? बाबा देखे ना क्या बदतमीजी कर रहा है ये। क्या सुबह सुबह तुम दोनों ने शुरू कर दिया, नाश्ता करो चलो। अरे बाबा, ये भी तो आज सुबह सुबह पहली दफा हमारे साथ यहाँ टेबल पे बैठी है। तुम्हारी तरफ फारिग नहीं हूँ मैं। ओ अरे अरे, कहाँ, नाश्ता करो। मामा वो किरण को पिक करना है, वैसे ही लेट हो चुकी हूँ मैं। ओके बाय। ओके ओके एनी, बाय 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 बाय। एनी मेरी बात तो, नो आई डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग, लिसन टू मी। अभी तुमने से मुझसे बात की तो तुम्हारा ये रिएक्शन है, और अगर मैंने हाँ कर दी होती तो हमारी फ्रेंडशिप में पता नहीं कितना गैप आ जाता। एंड आई स्वेयर मैं वो गैप बर्दाश्त नहीं कर सकती हमारी फ्रेंडशिप के बीच में। आई नो यू नो दैट आई लव यू, बट एज अ फ्रेंड यू आर माय बेस्ट बडी। मेरे हमदम, मेरे हमदम। मुझे लगता है हम दोनों की दोस्ती ज्यादा नहीं चलेगी, इसलिए मैं जा रही हूँ। राइट एनी मेरी बात तो, नो आई डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग, लिसन टू मी। अभी तुमने से मुझसे बात की तो तुम्हारा ये रिएक्शन है, और अगर मैंने हाँ कर दी होती तो हमारी फ्रेंडशिप में पता नहीं कितना गैप आ जाता। And I swear, मैं वो गैप बर्दाश्त नहीं कर सकती हमारी फ्रेंडशिप के बीच में। I know, you know that I love you, but as a friend, you're my best buddy. मैं जानता हूँ तुम क्या। तुम कुछ नहीं समझ सकते, तुम्हें पता ही नहीं हमारे रिश्ते की वैल्यू क्या है। And you know me, मुझसे नहीं ये रोमियो वाली टाइप की कहानियाँ बर्दाश्त होती। इनका क्या होता है आखिर में? You know that that is all right. Please, sad face मत बनाओ, मुझे और sad मत करो, please. बोल दिया? बस अब मैं कुछ बोलूं? तो मैंने कब मना किया था बोलने? मुझे खुद कोई मजनू बनने का शौक नहीं है, ठीक है ना। अम्मी की तबीयत बहुत खराब है कल रात से, इसलिए परेशान हूं। डैमिट, तो पहले बता रहा था ना, इतना बड़ा लेक्चर दे दिया, अब बता रहा कि मामा की तबीयत खराब है। तो कैसे बोलता, तुम कुछ बोलने दे रही थी, मौका दे रही थी मुझे? दो ही तो टेंशन है मेरी जिंदगी में, एक तुम और एक मेरी माँ। मैंने अपने आप को डिस्क्राइब करना था, वो मैंने कर दिया। और रही बात आंटी की, तो परेशान मत हो, आंटी ठीक हो जाएंगी। कल रात उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, मैं बहुत परेशान रहा, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ, सारी रात सो नहीं सका। तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, घर पर रहकर उनका ख्याल रखते। वो कुछ नोट्स लेने थे तुमसे। यस, तुम मतलब के बगैर तो आते नहीं। आंटी के बारे में कुछ सोचते हैं, एक डॉक्टर है हमारी फैमिली में, बेस्ट डॉक्टर है, मैं तुम्हें उनका नंबर देती हूँ, तो प्लीज आंटी को उनके पास लेके जाओ। आई एम श्योर वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नहीं नहीं बस नहीं नहीं बस बस कुछ नहीं, मैं कह रही हूँ तुम्हें, मुझे तो लगता है आई स्वेयर तुम्हारे कोई दस हुए, कोई खुश रखने की, कोई मजाक उड़ाने की, कोई मजाक करने की, कोई दुखी होने की, कोई इमोशन होने की। मैंने कह दिया बस आंटी को लेके जाना डॉक्टर के पास, तो बस लेके जाना है। ठीक है, वेट मैं कॉल करती हूँ। Seriously, Roman, I'm very happy for you today. Same here. आज हमारी फैक्ट्री में काम शुरू हुआ है। जानती बाबा जान कितने खुश होंगे। Today is the happiest day for him. That's great. और इसी खुशी में कुछ ऑर्डर कर दें, बहुत भूख लग रही है। Yeah, sure. और मुझे अब लगने लगा है कि हमारी शादी बहुत करीब है। अच्छा, कहाँ है हमारी शादी, कहाँ तक पहुंची, मुझे तो नजर नहीं आ रही। Come on, यार क्यों मजाक कर रही हो? नहीं नहीं ऐसे ही, खुशी का दिन है आज, खुशी मना रही हूँ भाई। तुम उसकी हिम्मत चेक करो, इजारे मोहब्बत कर रहे सबके सामने क्या? आई लव यू एनी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, चेक करो।
ये कहा उसने? हाँ। और फिर तुमने क्या कहा? पहले तो मुझे बड़ा गुस्सा आया उस पर, लेकिन बाद में उसकी हिम्मत में दाद देने लगी। यार क्या हिम्मत है उसमें, क्या फ्लर्ट से फौरन शादी की बात पे ले आया यार। सिर्फ हैरान हुई तुम, इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए था तुम्हें, तुम्हें शटअप कॉल देनी चाहिए थी उसको। उसकी हिम्मत कैसे हुई? दो बातें क्या कर लेती हो तुम उससे, वो तुमसे ऐसी बातें कर देगा? हिम्मत तो है उसमें, अपने आप को हीरो समझता है। तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? खुश होना चाहिए तुम्हें तो, तुम्हारी दोस्तों किसी ने प्रपोज किया है। लाइक प्रिंसेस रानी कितनी पिटी है कि उसको आई लव यू बोलना चाहते हैं हर कोई। लाइक तुम्हें पता है वो फीलिंग क्या होती है जब आपसे कोई अपनी मोहब्बत शेयर करता है? तो तुम्हें खुशी हो रही है? हाँ, वही मैं कहूँ, इतना आसान नहीं होता किसी के लिए ये कहना। वेल एज यू विश। पता है कितना मजा आता है जब दो दो लोग एक साथ आपको प्यार करते हैं और वो आपसे मोहब्बत का इजहार करें। थैंक यू, जोक था, हंसूं। देख रहे हैं लोग? तो लोग देखें मुझे कैसे? आप वो नहीं है, अच्छा नहीं लगता। आहा, वैसे तो बड़े बनते फिरते हो, आज मैं तुम्हारा हाथ क्या थाम लिया तो लोग क्या कहेंगे ये सोच रहे हो तुम? ऐसी बात नहीं है एनी। तो कैसी बात है? मैंने जब तुम्हें बोला मेरा हाथ थामने को, उस वक्त तो तुमने मना कर दिया। मैंने तुम्हें शादी से मना किया था। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती है, क्या थिंकिंग है ये? मैं बहुत सीधा साधा लड़का हूँ एनी, क्या तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया? किया, लेकिन तुम नहीं समझोगे। तो समझाओ ना। I'll talk to you later. Bye. अच्छा हो रहा है, अगर आप मुझे इस वक्त कॉल करके डिस्टर्ब ना करते तो। ओ, तो मैंने आपको डिस्टर्ब किया? जी हाँ। किस काम में मुझे? मैं क्यों बताऊँ? मैं क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? अभी अंदर आई ना, कहीं कर ली शिकायतें मेरी इनसे? ओहो, कर ली इनसे मेरी शिकायतें? उड़ाओ उड़ाओ और उड़ाओ मेरा मजाक। नोमी मुझे 5,000 रुपए चाहिए और जल्दी से निकालो। मेरे मुंह पे लिखा हुआ है कि मुझे तुम्हें पैसे देने। जल्दी से 5,000 दो वरना सारे कुछ उठा के मार दूंगी। अरे मामा देख रही है क्या कर रही है? उस रास्ते पर ही मैं चलूं जो तेरी तरफ ले चले मुझे। मेरे हमदम तेरी कसम।